हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब मैं हूं गौरव काबरा एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे डेफरल ऑप्शन पे मेरे ख्याल से ये फाइनल अपडेट वीडियो है इसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता कि और वीडियो बनाने पड़ेंगे बिकॉज नाउ द इंस्टीट्यूट हैज़ कम अप विथ अ फुल डिटेल्ड ई मेल जिसमें उन्होंने आपकी सारी तकलीफ़ें आपकी सारी बातें सुन ली हैं दे इज जस्ट अ लिटिल बिट टू एक्सप्लेन जो मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन करूंगा बट अपार्ट फ्रॉम दैट डेफरल ऑप्शन अब आपके सामने एकदम क्लियर है मैंने 24 घंटे पहले जो वीडियो बनाया था उसके हिसाब से जस्ट वन चेंज हैज़ हैपेंड और उस चेंज में एक मेजर इंपैक्ट आ रहा है आपके पूरे इस जर्नी में जो आप सी एफ एग्जामिनेशन के लिए सोच रखे हो वो इंपैक्ट है सिक्स मंथ्स का सो यू आर गोइंग टू लूज सिक्स मंथ्स इफ़ यू डेफर फॉर द एग्जामिनेशन उससे पहले आपके मेल में कौन सी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें कहाँ कहाँ लिखी हुई है उनको फटाफट पढ़ देता हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू गिव यू अ डिटेल्ड ग्राफ जिससे आप समझ पाओगे कि आपका एग्जामिनेशन कब कब कैसे कैसे देने से खर्चा होने वाला है एंड कितना समय मिलने वाला है फॉर प्रिपेयरिंग फॉर रेस्पेक्टिव लेवल्स तो आइए फटाफट शुरू करते हैं दिस इज वॉट यू हैव गॉट इंस्टीट्यूट की तरफ से ये आपको ई मेल आया और इसके हिसाब से इन्होंने ये कहा है दो बार कंफर्म किया है शुरुआती पैराग्राफ्स में दैट वी एंटिसपेट दिस टाइम दैट मोस्ट सेंटर्स विल बी एबल टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन नंबर वन इसके बाद वापस इन्होंने बोला है दैट दैट वी रिमेन कॉन्फिडेंट मोस्ट विल सक्सेसफुली एडमिनिस्टर लेवल वन एग्जामिनेशन इसका मतलब ये है इसका इम्प्लीकेशन ये है दैट इफ़ यू आर रेडी फॉर योर फेबररी एग्जामिनेशन पूरी तरह से रेडी हो पढ़ाई हो गई प्रैक्टिस हो गई सब हो गया एंड यू आर जस्ट कंफ्यूज कि फेब्ररी में एग्जाम हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे तो लीजिए इंस्टीट्यूट ने आपको दो बार एश्योर कर दिया कि बहुत हाई चांसेस दैट योर एग्जामिनेशन विल एक्चुअली हैपन इन फेब्ररी तो आप इस चिंता में अपने एग्जाम को प्लीज डेफर ना करें ओनली इफ़ यू आर ऑब्वियसली प्रिपेयर्ड इसके अलावा इंस्टीट्यूट आपको ये बोल रहा है दैट यस वी आर आल्सो गोइंग टू गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट्री डेफरल प्रोग्राम हेयर और वो सारे फेब्रेरी कैंडिडेट्स के लिए है मैं यहाँ कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ दिस ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर ओनली फेब्रेरी कैंडिडेट्स यानी कि अगर आपका एग्जाम फर्स्ट मार्च तक शेड्यूल्ड है तभी आप फेब्री विंडो में हो और ये ऑप्शन आपको मिल रहा है अगर आपका एग्जाम 20 22 मार्च का है मैं जानता हूं कुछ बच्चों का मार्च में भी शेड्यूल्ड है मार्च वालों को कोई ऑप्शन नहीं है। दिस ऑप्शन इज फॉर फेब्ररी कैंडिडेट्स, तो फर्स्ट मार्च तक अगर आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है अब डेफरल में क्या होगा डेफरल में यू कैन ऑब्वियसली डेफर टू लेटर विंडोज लेकिन लेटर विंडोज में इंस्टीट्यूट ने मे को यहां पे कैंसिल का कैंसिल कर दिया है इसका मतलब मे में एग्जाम अब आप नहीं दे सकते दिस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इधर इन जुलाई और अगस्त और नवंबर सो मे विंडो हैज़ गॉन डाउन इसका इंपैक्ट क्या आएगा छः महीने का लॉस है हंड्रेड लॉस है और आगे की क्या तैयारी है वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर वेट कीजिए मैंने यहाँ लिखा भी है आई विल एक्सप्लेन दिस इन अ मोमेंट थोड़ी देर इंतजार कीजिए ओके okay, यहां पे इन्होंने ये चीज़ समझाई भी है कि अगर आप अपना एग्जाम डिफर करते हो द अर्लीस्ट यू कैन गिव योर एग्जामिनेशन फॉर लेवल टू इज गोइंग टू बी फेब्री 2022 ट्वेंटी टू सो उसके ऊपर मैं अपने बात करेंगे इसके अलावा यहाँ पे ये बोला है कि अगर आप डिफरल ऑप्शन के लिए जा रहे हो तो आपके पास विंडो है सेकेंड फेबररी से लेकर के टेंथ ऑफ फेब्रवरी सो इफ यू हैव डिसाइडेड कि आपको डिफर करना ही है एग्जाम एंड इफ यू आर रेडी कि आप अपना एग्जाम जुलाई या ऑगस्ट या फिर नवंबर में ही दोगे तब फिर आपको दस तारीख से पहले पहले यहां पे एक्ट करना है एंड सच बताऊँ तो दस तारीख इस Too late to decide. मेरे से अगर आपको डेफर फट करना है तो ओके okay, इन्होंने ये क्लियरली बोला है, दस फेबर के बाद में कोई भी डेफरल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इनफैक्ट मेरी जानकारी में आज सुबह तक मेरे पास बहुत मेल और बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ कैंडिडेट्स ने डेफर भी कर दिया है दे हैव डन इट सो फास्ट तो अभी पॉसिबली आई एम शूटिंग दिस एट अराउंड एट ए एम इन द मॉर्निंग एंड अभी तक भी डेफरल हो चुके हैं लोगों के सो यस दिस हैज हैपेंड तो डेफरल रिक्वेस्ट के लिए बोला इन्होंने दस तारीख से पहले रिएक्ट कीजिएगा एंड यस अगर आपने एक बार डेफर कर दिया अपने फेबररी एग्जामिनेशन को देर इज नो वे डैट यू कैन कम बैक टू फेब्ररी ये बात याद रखना दिस डिसीजन एज फुल एंड फाइनल आज सुबह ही मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई है जिसने गलती से डेफरल ऑप्शन कर दिया था विदाउट अंडरस्टैंडिंग uh, कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा उनको एग्जाम मे में देने को नहीं मिलेगा ही डेफर द एग्जामिनेशन सो इट इज अनफॉर्चुनेट बट ही कैन नॉट गिव एग्जामिनेशन इन मे तो उनको अब सीधा देना है जुलाई में सो so, छ महीने का ये गैप है प्लीज इस चीज को ध्यान में रखें बिफोर डिसाइडिंग टू डेफर योर एग्जामिनेशन सो यहां पर क्लियरली लिखा है इफ यू आर डेफरिंग योर एग्जामिनेशन प्लीज फेबररी के बाद सीधा आपको मिल रहा है जुलाई ये चीज को कंसिडर करते हुए ही कीजिएगा देर इज नो पॉइंट कमिंग बैक ओके okay. यहाँ पे अब इन्होंने बोला है कि यस योर अकाउंट हैज नाउ बीन अपडेटेड और उसमें आपको डेफरल का ऑप्शन आ रहा होगा विच अगर आप लॉग इन करोगे तो आपको दिखाएगा ओनली इफ यू आर अ फेब्ररी कैंडिडेट फिर से मैं बता दूं इफ यू आर एग्जामिनेशन इज इन मार्च विंडो फर्स्ट मार्च के अलावा कभी और है तो आपको डेफरल विंडो नहीं दिखा रहा है इनफैक्ट वहां रिशेड्यूलमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा बट नॉट अ डेफरल ऑप्शन डेफरल ऑप्शन इज अवेलेबल टू ओनली फेब्ररी कैंडिडेट्स एंड ये आपको फ्री ऑफ चार्ज या फिर मैं कह सकता हूँ नो चार्ज पे आपको अवेलेबल हो रहा है ओके okay. सो so, अगर आप डेफर करना ही चाहते हैं तो क्या क्या आपके स्टेप्स होंगे नंबर वन यू विल गेट एन ऑप्शन हेअर डेफर टू डेफर टू अ फ्यूचर एग्जाम यह है आपका स्टेप नंबर वन फिर आप रीड एंड कंफर्म योर सिलेक्शन बेसिकली कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे उसको पढ़ लीजिए ढंग से एंड देन स्टेप नंबर थ्री में यू विल हैव टू रजिस्टर फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन और नेक्स्ट एग्जामिनेशन की रजिस्ट्रेशन के लिए हो सकता है आपके अकाउंट में रिफ्लेक्शन 24 घंटे के बाद आए सो इट मे हैपन दैट यू हैव क्लिकड ऑन टू डेफर माई एग्जामिनेशन एंड यू माइट नॉट गेट एन ऑप्शन टू डेफर टू जुलाई और नवंबर और अगस्त जो भी अभी इमीडिएट बेसिस पे ध्यान रखिएगा आप डेफर कर दो डेफर करने के बाद में आपको आगे का जो सिलेक्शन है हो सकता है उसमें 24 घंटा रिफ्लेक्शन में टाइम लग जाए सो अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कंफ्यूज होने का नहीं है अगर आपने डेफर किया एग्जामिनेशन को सिंस मे का भी एनरोलमेंट अभी तक खुला है अगर आप मे के लिए एनरोल करना चाहते हो उस पॉइंट पे हालांकि आप नहीं करना चाहते मैं जानता हूं अगर आप डेफर कर रहे हो आप ये बात समझते हो कि आपका एग्जाम मे में नहीं हो सकता बट सिंस मे एग्जामिनेशन इज स्टिल ओपन तो आप गलती से भी मे के लिए रजिस्टर मत कर देना इफ यू डू इट इमीडिएट बेसिस पे तो हजार डॉलर रुपी हजार डॉलर का आपका चार्ज है, पता है आपको? So, हजार आपके लग जाएंगे और हजार डॉलर की पेमेंट लग जाएगी सो इट इज मेकिंग नो पॉइंट वेट कीजिए फॉर योर अकाउंट टू रिफ्लेक्ट दुलाई ऑगस्ट एंड नोवर मे इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यू आई एम रिपीटिंग इट मल्टीपल टाइम क्योंकि ऐसी मिस्टेक्स आप करने वाले हो मुझे पता है सो डोंट डू इट आप डेफर अगर कर रहे हो को तो मैं दिखाएगा लेकिन में के लिए एनरोल नहीं करने का चलो इसके अलावा यू विल हैव स्टेप नंबर फोर जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन पे नेक्स्ट करनी है ये 24 घंटे बाद होने वाला है और उस रजिस्ट्रेशन में ऑब्वियसली आप अपना एग्जाम टर्म सेलेक्ट करोगे इट कैन बी जुलाई अगस्त और नवंबर और उसमें भी दो टाइप्स होते हैं एक रजिस्टर करना और उसके बाद में अपना एग्जाम सेंटर अपॉइंट करना तो ये आपका ओवरऑल प्रोसीडियर जिसके हिसाब से आप यहां पे डेफर कर पाओगे ओके नेक्स्ट यहां पे इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसिलेशन के बारे में बात बोल रहा है कि इनको ये बात पता है कि ये कैंसिल नहीं करना चाहते बट फॉर अनफॉर्च्यून इवेंट्स या फिर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन कुछ एग्जाम सेंटर्स पर हो सकता है कैंसिलेशन हो जिसके बारे में जानकारी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर टाइम टू टाइम अपडेट हो रही है अभी भी हो जाएगी सो इफ योर टेस्ट सेंटर इज तो क्या क्या होगा अब ये समझ लीजिए हालांकि फिर मैं बता देता हूं इंस्टीट्यूट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कैंसिल नहीं होने चाहिए बट जस्ट इन केस

ओके सो नाउ यहां पे ये बोला है कि अगर आपने अपना एग्जाम कैंसिल किया रिशेड्यूल कर दिया फेबर के विंडो में ही ठीक है तो फिर आपको यहाँ पे अगर आप फेब्रवरी में ही जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे 24 से 48 घंटे का टाइम मिलेगा अब ये बात समझिए ये अगर आपका टेस्ट सेंटर कैंसिल हो जाता है तो आपको 24 से 48 घंटे के अंदर यू विल बी गिवन अ न्यू डेट इन द फेब्ररी विंडो इट समझिए फिर से फेब्रवरी में आपका एग्जाम है फॉर सम रीजन एग्ज़ामिनेशन हैज बिन कैंसल्ड आपको 24 से 48 घंटे में ये बता दिया जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन फेब्ररी में ही कब वापस होने वाला है एंड जस्ट इन केस वो हो नहीं पा रहा है देन इंस्टीट्यूट विल गिव यू अ रीशेड्यूल्ड ऑप्शन या फिर ऑप्शन टू रीशेड्यूल योर एग्जामिनेशन एंड वो भैया गड़बड़ होने वाला है अगर इसके बाद कभी भी री re रजिस्ट्रेशन की नौबत आ जाती है फॉर सम रीजन आप टिके रहे कि नहीं मेरे को फेब्ररी में ही एग्जाम देना है और फेबररी में भी आपका एग्जाम कैंसिल हो गया इंस्टीट्यूट ट्राइज इट्स बेस्ट 24-48 घंटे में कि आपका एग्जाम फेबररी में ले लें और वो भी नहीं हो पाया देन इंस्टीट्यूट विल गिव यू एन ऑप्शन टू डेफर यूर एग्जामिनेशन अगेन वो होने वाला है मुझे समझ में आ रहा है ऐसा बट ओनली फॉर दोज लोकेशन विच गेट कैंसल्ड तो इसमें आपको जुलाई अगस्त नवंबर वाले जो ऑप्शन हैं वो ऑब्वियसली आपको रिफ्लेक्ट बाद में करेंगे बट वो कैंसिलेशन के बाद होगा अभी वो कुछ भी श्योरिटी उस मामले में नहीं है नेक्स्ट कम्स ओपीटी ओपीटी के बारे में मेरी एक ही राय है दैट ओपीटी ऐसा नहीं है कि इंडिया में अवेलेबल नहीं होगा अवेलेबल तो देखो हर जगह होगा लेकिन ओपीटी बहुत रेस्ट्रिक्टिव होने वाला है इंस्टीट्यूट ने खुद अपने वेबसाइट पे लिखा है दैट ओपीटी में बहुत सीरियस इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट है थ्री डिग्री व्यू वगैरह कुछ मैंशन किया हुआ है वेबसाइट पर आई डोंट अंडरस्टैंड इट बट इतना श्योर है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट बहुत सॉलिड होने चाहिए वेब कैमरा होना चाहिए एंड बहुत सारे और रेस्ट्रिक्शन होंगे सो so ऐसे में ओपीटी सेलेक्ट करना आपके हाथ का नहीं है इंस्टीट्यूट विल डिसाइड कि आपका ओपीटी होना चाहिए कि नहीं अब यहाँ समझिए क्या क्या केसेस हैं आपने एग्ज़ाम देने की ठानी एग्जाम कैंसिल हो गया इंस्टीट्यूट आपको नया कोई सेंटर भी नहीं ला के दे पा रहा है तब वो शायद आपको ओ ऑप्शन देगा एंड ओ ऑप्शन भी इंस्टीट्यूट के ऊपर में है ऐसा नहीं है कि आप ऑप्ट कर सकते हो उसके लिए करेक्ट बट यस वो भी आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स अगर होंगी तो ही आप एक्सेप्ट करना नहीं तो मत करना ओपीटी इन माय सेंस इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस एज ऑफ नाउ बिकॉज बहुत रिस्ट्रिक्टिव होते हैं सीएफए के एग्जाम्स ओपीटी OPT वाला ऑप्शन मेरे ख्याल से किसी को नहीं लेना चाहिए एटलीस्ट फॉर फेब्रेरी एग्जामिनेशन मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा एंड ये बात भी बोलिए कि ओपीटी चाइना में खैर अवेलेबल भी नहीं है एंड आई डो नॉट एक्सपेक्ट कि इस वीडियो को कोई चाइना में देख भी रहा है ओके नेक्स्ट टू इंपैक्टेड कैंडिडेट्स वही रिफंड की बात है कि अगर आपका एग्जाम दो बार इंपैक्ट हो चुका है तो आप रिफंड कर सकते हैं बट हेयर इज एन इंपॉर्टेंट लाइन अगेन कि अगर आपने डेफरल ऑप्शन को क्लिक कर दिया तो फिर रिफंड वाला ऑप्शन आप भूल जाना हमेशा के लिए यस yes. तो यहां पे अगर आपने डेफर किया अपना एग्जामिनेशन वॉलेंट्रिली यहां पे फ्रॉम फेब्रवरी टू जुलाई अगस्त और नवंबर तो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी रिफंड आपका एग्जाम जब भी होगा तब आपको देना ही है एंड रिफंड आपको मिलेगा नहीं ये सीधी सी बात यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने लिख दी सो so अगर किसी को रिफंड चाहिए भी तो वो भी पार्शियल रिफंड ही आता है बिकॉज यू लूज द रजिस्ट्रेशन पार्ट बट ठीक है जो भी है आपको रिफंड अगर लेना है तो डेफर मत कीजिएगा डेफर करने से रिफंड नहीं मिलेगा ओके okay.

पहले बात करते हैं कि अगर आप अपना एग्जाम डेफर नहीं कर रहे हो तो फिर आपका लेवल वन कब लगेगा भैया अगर सब सही रहा सर अगर सब सही रहा तो फेब्रवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन में आपका एग्जाम लग जाएगा लेवल वन का उसके बाद हम लेवल टू कब दे सकते हैं तो लेवल टू देने के लिए दो ऑप्शन आपके पास में है अर्लीस्ट टू अर्लीएस्ट बता रहा हूँ या तो आप अगस्त 21 में ही ऑप्ट कर सकते हो या फिर आप नवंबर 21 में दे सकते हो दोनों में जाने का दोनों में जाने का अलग अलग कॉस्ट लगेगा अगर आप अगस्त के लिए ऑप्ट करते हो यू विल हैव टू पे द स्टैंडर्ड फी विच इज वन थाउजेंड डॉलर्स एंड ओवर एंड अबव दैट यू विल हैव टू हरी अप यू विल हैव टू पे इस टू प्रिपेर फॉर योर लेवल टू एग्जामिनेशन क्योंकि टेक्निकली चार पांच महीने ही मिलेंगे प्रिपरेशन करने को लेवल टू को अगर आप अपना एग्जामिनेशन फेब्रवरी में देते हैं क्लियर करते हैं एंड ऑगस्ट में रजिस्टर करते हैं मैं सारी सिचुएशन यहां जोड़ रहा हूं सो गिविंग योर एग्जामिनेशन फेब्रवरी ट्वेंटी ट्वेंटी एक्सपेक्टिंग दैट यू विल पास एंड यू एक्चुअली पास एंड देन यू रजिस्टर फॉर ऑगस्ट ट्वेंटी एग्जामिनेशन नंबर वन यू विल हैव टू पे डॉलर नंबर टू यू विल हैव टू पे सेट अप क्योंकि चार पांच महीने में आपको सब कुछ कंप्लीट करना होगा विच इज गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग जॉब फॉर शॉब इसके बाद में अगर आप फेब्रवरी में एग्जाम देकर के यू चूज की नहीं मैं ऑगस्ट में नहीं देना चाहता आई वॉन्ट टू गिव माई एग्जामिनेशन इन नवम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी और उसके लिए आपको सेवन हंड्रेड डॉलर का पेमेंट लगेगा यानी कि आपको अर्ली बर्ड मिल जाएगा एंड अर्ली रजिस्ट्रेशन करके सेवन हंड्रेड डॉलर में यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट यहाँ पे आपको टाइम uh, भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा रिलैक्स करके आप आराम से पढ़ पाओगे ओके अपार्ट फ्रॉम दैट अब लेवल टू जब भी आप दो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन जो खुलता है वो है मे ट्वेंटी टू सो so, अब यहां पे क्या होगा अगर आपने अपना लेवल टू का एग्जामिनेशन देते हैं अगस्त 2021 में तो लेवल थ्री का जो ऑप्शन है मैं अगर लेवल टू बोला तो मुझे माफ कीजिएगा लेवल थ्री का जो ऑप्शन है वो आने वाला है मे ट्वेंटी, ट्वेंटी, ट्वेंटी में आई नो इट साउंड रियली डेंजरस अभी कि ये कितना कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है बट आप सिर्फ अपने सिचुएशन को दिमाग में रखिए आप सारे सिचुएशन को मत ध्यान में रखिए आपको जो करना आप वो देखिए So, आपको अगर अगस्त में एग्जाम दिया आपने आप उस जल्दी से जल्दी भी अगर लेवल थ्री देना चाहते हो तो मे 2022 में आपका एग्जाम लगेगा और उसमें आपको अर्ली बर्ड मिल जाएगा सेवन हंड्रेड डॉलर में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा टाइम भी मिल जाएगा लेवल थ्री प्रिपेयर करने को अच्छा खासा पर अगर आप अपना लेवल टू एग्जामिनेशन नवंबर में दे रहे हो बाय पेइंग लेसर फी एंड गेटिंग मोर तो टाइम टू प्रिपेयर फॉर लेवल टू और अगर उसके बावजूद आप मे 2022 में त्वेंटी त्वेंटी अपना लेवल थ्री देना चाहते हो दैट इज आल्सो तो पॉसिबल लेकिन उस समय आपको देन हरी करना होगा यू विल हैव टू पे मोर एंड यू विल हैव टू प्रिपेयर फास्टर टू क्लियर योर लेवल थ्री इन सिक्स मंथ्स ऑफ टाइम सो बेसिकली ये पूरा सीनारियो ऐसा है कि अगर आप अभी फेब्ररी में एग्जाम डिफर नहीं कर रहे हो तो फिर आप अपना लेवल थ्री सब सही रहने पर आप अपना मे ट्वेंटी में, में कंप्लीट कर सकते हो यानी कि लगभग यहाँ से सवा साल डेढ़ साल में आप सारे लेवल से एक बार में दे करके खत्म कर सकते हो विच इज ऑब्वियसली अ गुड थिंग बी प्रिपेयर्ड कि आपको कम से कम एक लेवल में तो हड़बड़ मचानी होगी और एक लेवल के लिए एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ेगा अ वेदर यू पे for फॉर लेवल टू और फॉर लेवल थ्री इट डजेंट मैटर बट ये आपके लिए अर्लीस्ट सिनारियो है अब बात करते हैं अपने वट इफ़ यू डेफर योर एग्जामिनेशन अगर आप अपना एग्जामिनेशन डेफर करते हो तो मेरे हिसाब से द मोस्ट प्रूडेंट चॉइस इज इधर जुलाई और अगस्त नवंबर मेक्स नो सेंस अगर आप अपना एग्जाम फेबररी में देने के लिए रजिस्टर्ड थे और आप कोई कोई रीजन से आप डेफर कर भी रहे हो बिकॉज यू आर अंडर प्रिपेयर्ड और सम अदर रीजन तो आप जुलाई में एग्जाम दोगे या फिर अगस्त में दोगे नवंबर का तो कोई सीन ही नहीं है इट इज़ सो फार तो यहाँ पे नवंबर को मैं डिसरिगार्ड कर रहा हूँ जुलाई अगस्त आपके सामने ऑप्शन है इफ़ यू गिव योर एग्जामिनेशन इन लेवल

ध्यान रखिए अगस्त या जुलाई में अगर आप अपना एग्जाम दे रहे हो दिमाग लगाइए उसके बाद फेब्रवरी काफ़ी क्लोज है तो लेवल टू के लिए पहला तो आपको पे सेट अप करना पड़ेगा पढ़ाई करनी पड़ेगी जोर से एंड यू विल आल्सो हैव टू पे दिस स्टैंडर्ड फी वन थाउजेंड डॉलर्स सेवन हंड्रेड में नहीं होने वाला ओके okay, इसके अलावा कब लगेगा आपका तो फेब्री 2022 में अगर आपने अपना एग्जाम दिया लेवल टू का it, तो उसके बाद आपका लेवल थ्री लगने वाला है 2022 में इधर आपका एक हो जाएगा 700 डॉलर्स में भी काम हो जाएगा यू विलउंड सिक्स एट मंथ रफली टू प्रिपेयर फॉर लेवल टू तो वहां पर मैं कह सकता हूं कि आपके पास टाइम बच जाएगा सो so इसका मतलब ये बात एकदम क्लियर है कि अगर आप डेफर करो या डेफर ना भी करो तो भी आपका 2022 में एग्जाम लग रहा है हाँ ऑब्वियसली एक जगह मई में, में लग रहा है एक जगह नवंबर में लग रहा है इसके अलावा ये सिक्स मंथ्स के गैप के अलावा नथिंग चेंजेस फॉर यू अगर हम देखें तो कोई भी रूट से आप जाओ आपको एक बार तो थोड़ी सी अप प्रिपेरेशन भी करनी पड़ेगी एक बार आपको अर्ली बर्ड छोड़ करके स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा सो बी प्रिपेयर टू पे अनदर सेवेंटीन हंड्रेड डॉलर्स टू द इंस्टीट्यूट फॉर लेवल टू एंड लेवल थ्री रजिस्ट्रेशन कॉम्बाइंड एंड गिव योर एग्जामिनेशन वन इन अ रिलैक्स मोड लेवल टू शायद आपका रिलैक्स होगा तो लेवल थ्री पेस्ड अप होगा लेवल टू अगर अप हुआ तो लेवल थ्री रिलैक्स होगा बेसिकली ऐसा कुछ सिचुएशन होगा अब भले आप डेफर करो या ना करो दोनों में सिचुएशन एकदम सेम है जस्ट इतना सा अंतर है कि आपका छह महीने का यहाँ पे गैप हो रहा है विच ऑब्वियसली यू आर एंजॉइंग फॉर योर लेवल वन प्रिपेरेशन सो दैट इज इट मेरे हिसाब से ये पूरी की पूरी इंटरप्रिटेशन है विच क्लियर दी एयर राइट नाउ आपके सामने सिचुएशन एकदम क्लियर है एंड नाउ कमिंग बैक टू अवर डेफरल ऑप्शन अब ये डेफरल ऑप्शन किसको लेना चाहिए तो अब सिंस मे अवेलेबल है ही नहीं तो पहला तो फेब्ररी वाले बच्चे ये कंसिडर करें फेब्ररी वाले कैंडिडेट्स ये कंसिडर करें कि क्या ये डेफरल उनको चाहिए अगर उनको ये चाहिए सच में उनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो डेफर कर करके आपको जुलाई में जाना होगा यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट आपकी तैयारी नहीं है तो छः महीना आपको और देना पड़ेगा एंड फिर आप अपनी आगे की जर्नी आप जान सकते हो यहाँ पे जो आपको राइट साइड में दिख रहा है वैसा होगा एंड इसके अलावा अगर आप रेडी हो अपने एग्जामिनेशन के लिए पार्शियली भी रेडी हो तो फेब्रेरी एग्जामिनेशन के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं रेडी है एंड अगर आप फेब्रेरी में देना ही चाहते हो तो लग जाओ फुल ऑन पढ़ाई में लग जाओ फुल ऑन प्रैक्टिस में अब बहुत कम समय बाकी है और फेबर का एग्जामिनेशन आ चुका है सामने सो so जान लगा के पढ़िए एंड डोंट 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 टेक दिस एग्जाम लाइटली सी एफ इंस्टीट्यूट के एग्जाम हमेशा ही अच्छे स्टैंडर्ड के होते हैं सो फेब्रुरी का एग्जामिनेशन विल नॉट बी एन एक्सेप्शन अच्छे स्टैंडर्ड का हमेशा पेपर होता है प्रैक्टिस कहां से करना है मैंने रिपीटेटिवली बताया है हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने इंडिविजुअली वीडियो बनाया है कैसे पढ़ना है नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हो वीडियोज पर फिर भी अगर मैं समराइज करूं तो आपको कम से कम रीडिंग्स पढ़ लेनी है एक एक बार और आपको कम से कम सी एफ के सवाल बनाने चाहिए कैंडिडेट रिसोर्सेज में जो अट्ठाईस सौ क्वेश्चन के आसपास में कुछ है वो जरूर से बनाए सो डू इट ये बहुत ज्यादा जरूरी है एंड इतना अगर आपने किया तो आप फेब्रेरी के एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो एंड यू विल डू गुड इन योर एग्जामिनेशन आई बिलीव एंड बात बाकी डेफरल वाले बच्चे या डेफरल वाले कैंडिडेट जानते हैं कि उनका डेफर हो रहा है सिक्स मंथस उनका जाएगा बट और कोई ऑप्शन भी नहीं है सो दैट इज इट अभी के लिए फिर इतना ही रखते हैं आई होप यू फाउंड दिस वीडियो रियली रियली हेल्पफुल अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लो जस्ट टू इंश्योर की आपकी लेवल वन की प्रिपेरेशन वगैरह के लिए जो वीडियोज आपको चाहिए वो यहाँ आपको मिलते रहे सो दैट इज इट आई सी इन द नेक्स्ट मंथ अब तक के लिए बाय टेक केयर एंड डिसाइड Prudently, whether you actually want to defer your examination or not. I'll see you in the next one. Bye bye.